लव आदमी 3 फाइबर स्टूडियो में हमारे पास आ चुका है और काफी इंटरेस्टिंग यार स्मार्टफोन लग रहा है। पीछे भी इस पे स्क्रीन है, काफी इंटरेस्टिंग बात है ये कि मतलब फोन में आगे स्क्रीन होती पर लावा ने इसे पीछे भी स्क्रीन दी है। बॉक्स काफी चौड़ा सा लग रहा था, अंदर डेफिनेटली चार्जर तो होगा और अनबॉक्स करके आपको दिखाते हैं। पहली चीज जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है फ्री फोन रिप्लेसमेंट, देखते हैं क्या कुछ है खास। तो बेसिकली अगर आपके फोन में एक साल के अंदर अंदर कोई भी हार्डवेयर डिफेक्ट आता है इस फोन में, फ्री में आपको फोन मिल जाएगा। काफी अच्छी स्कीम है यार। ये है स्मार्टफोन का हेदर ग्लास कलर, एक प्रिस्टीन ग्लास भी है जो कि व्हाइट कलर है, वो काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे देखने में। बट इसके अलावा बॉक्स में जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि क्या है। ओके, एक स्लीव है जिसके अंदर हमारे पास कवर, भाई कितनी पैकेजिंग करी है लावा वालों ने, डिसेंट क्वालिटी का सिलिकॉन कवर आपको यहाँ पर दिया गया फोन के लिए। इनको भी साइड कर लेते हैं यार, इसको यहाँ पे रखते हैं। और ये है टाइप सी टू टाइप सी केबल, तो ये इसका चार्जर है 66 वॉट का, 66 वॉट चार्जर विद टाइप सी, मतलब 20,000 से 25,000 की रेंज में। आई डोंट थिंक सो किसी और फोन में ऐसे वाला चार्जर आता है, काफी बढ़िया बात है यार। लावा ने इसको फुली लोडेड करके रखा है, तो मैं ना इसको सब कुछ साइड कर देता हूँ और ये रहा मेरे हाथ में फोन, इसको सेटअप कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या कुछ है खास। तो ये है लावा अग्नि 3 और ये मिनी डिस्प्ले इसका की सेलिंग पॉइंट है। आप सबको अगर याद हो शाओमी का मी 11 अल्ट्रा, जब उसको मी फोन बोलते थे, मी 11 अल्ट्रा आया था, उसमें 1.1 इंच का एक डिस्प्ले आया था, वो 70,000 का फोन था, 3.5 साल पहले आया था। वो वाली टेक्नोलॉजी 3.5 साल बाद 20,000 के रेंज में अभी तक हमने नहीं देखी। एंड ऑफकोर्स अच्छी चीज है ये, तो डिस्प्ले भी बड़ी हो गई है 1.7 इंच की और इसमें आप भाई सब कुछ कर सकते हो, मतलब बहुत कुछ कर सकते हो, सब कुछ तो नहीं कर सकते हो। कॉल वॉल आते हैं, आप कॉल पिकअप कर सकते हो, कैमरा को यूज कर सकते हो, म्यूजिक प्लेबैक आप कर सकते हो, यहाँ पे आपका हेल्थ मीटर भी दिखा रहा है, वॉकिंग वो सब भी नोट हो सकता है, रिकॉर्डर यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, और क्या क्या कर सकते हैं, विजेट्स यहाँ पर आपको दे रखे हैं, तो क्विक ग्लांस आप कर सकते हो विजेट्स पे, और तो और ब्राइटनेस इसकी आप सेट कर सकते हो, तो ये भी एक काफी अच्छा फीचर है। यहाँ पर एक ये पेट सा यहाँ पे घूम रहा है, इसके अराउंड भी एक फीचर है, इसका नाम इन्होंने क्या रखा है मैं जल्दी से देख लेता हूँ, क्यूट पेट्स फीचर। तो ये क्यूट पेट्स फीचर इसको आप एक गिमिक बोल सकते हो, बट ये पूरा जो ओवरऑल इन्होंने एडिशन करा है ये गिमिक नहीं है। मतलब ऑफकोर्स अगर आपका फोन ऐसे आप टेबल पे फेस डाउन रखते हो तो आपके कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, या आप म्यूजिक को प्लेबैक कर रहे हो, और अगर आप कैमरा को यूज करते हो तो एज अ व्यू फाइंडर इसको यूज कर सकते हो, तो काफी बेहतरीन फीचर लगा मुझे। बाकी इसको डिटेल में चेक करेंगे रिव्यू में और भी आपको इसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा इस फोन में क्या है तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, डुअल स्पीकर्स यहाँ पर दिए गए हैं, डॉल्बी एटमॉस की ब्रांडिंग है, अगेन अच्छा एडिशन है, 20,000 से 25,000 की रेंज में, टाइप सी पोर्ट है, कर्व्ड डिस्प्ले है। डिस्प्ले पे सबसे पहले हम आ जाते हैं, उसके बाद हम सारे चीजों पे टच डाउन करेंगे। तो डिस्प्ले आप जैसे कि देख सकते हो 6.78 इंचेस डिस्प्ले, 1.5K रेजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, ड्रैगन ट्रेल 2 आई थिंक ड्रैगन ट्रेल स्टार 2 कुछ इसका प्रोटेक्शन है, डिस्प्ले प्रोटेक्शन है, 1200 निट्स की जो पीक हाई ब्राइटनेस मोड में इसकी ब्राइटनेस रेटेड है, तो इंडोर ऑफकोर्स कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, बट अगर आप इसको आउटडोर्स भी यूज करते हो तो डिसेंट ब्राइटनेस आउटपुट आपको यहाँ पर दिया गया है। बाकी जो इसका मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है, यूट्यूब वगैरह यूज करते हैं या म्यूजिक आप सुनते हो तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि HDR वीडियो प्लेबैक यूट्यूब में है, बट अगेन मैंने नेटफ्लिक्स पे चेक किया था तो उसमें वो HDR कैपेबिलिटीज नहीं दी गई है, तो वो एक चीज मे बी सॉफ्टवेयर पैच के साथ फिक्स करी जा सकती है, बट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है स्क्रीन काफी अच्छी है, वीडियोस वगैरह देखते हो, गेम्स वगैरह खेलते हो, काफी मजा आने वाला है आपको यहाँ पे। थोड़ा बहुत मतलब चंकी फोन है, इस पर कोई डाउट नहीं है, कुछ 212 ग्राम इसका वेट है तो हैवी है, फोन बड़ा भी है, IP64 रेटिंग भी आपको यहाँ पर दी गई है, तो वो एक अच्छी एडिशन है अगेन। और अगर आप इसको साइड से देखोगे तो यहाँ पर दो बटन दिए गए, तो ये वाला तो पावर बटन है, इसके ऊपर एक एक्शन बटन टाइप का आप सोच लो, एक्शन की लावा इसको बुला रहा है, तो इसको अगर मैं आपको दिखा दूं सेटिंग्स में जाके तो यहां पर आपको एक्शन की, जिससे कि आप इसको सिंगल क्लिक, डबल क्लिक और लॉन्ग प्रेस के लिए असाइन कर सकते हैं अलग अलग फंक्शंस। अभी मैंने सिंगल क्लिक पे स्क्रीनशॉट लगा रखा है, डबल क्लिक पे फ्लैशलाइट खुल जाएगी, जैसे कि मैं इसको ऐसे डबल क्लिक करके दिखा दूं तो ये देखो फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है, बाकी लॉन्ग प्रेस अगर करके रखता हूं तो साइलेंट और रिंग के बीच में ये स्विच कर जाएगा, तो ये काफी अच्छा एडिशन है। ऑफकोर्स आईफोन से यहां पर इंस्पिरेशन
वाइब्रेशन ली गई है। और एक और चीज, अब इन बटन को दबाते दबाते जो मैंने चीज नोटिस करी, हैप्टिक्स इसके यार काफी अच्छे लग रहे हैं। इस रेंज में बहुत से फोन ऐसे होते हैं जो हैप्टिक्स उनके उतने खास नहीं होते, बट स्ट्रॉन्ग हैप्टिक्स यार मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, काफी अच्छा मतलब हैप्टिक रिस्पॉन्स है। बटन वगैरह दबा रहा हूँ तो उसमें भी आपको हैप्टिक रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसके अलावा और क्या है यार इस फोन में, यहाँ पर डायमेंसिटी 7300X चिपसेट जो कि अगेन 7300 का एक फोक्ड वर्जन है वो यहाँ पर दिया है। साथ में आपको 8GB LPDDR5 RAM प्लस अप टू 256GB ऑफ UFS 3.1 स्टोरेज दी गई। एक्सपेक्टेशंस काफी हाई है क्योंकि इस रेंज में अगेन UFS 2.2 जैसी स्टोरेज आपको मोस्टली मिलता है, बट UFS 3.1 स्टोरेज और LPDDR5 RAM अगेन काफी एक्सपेक्टेशन मुझे परफॉर्मेंस को लेके। यहाँ पर कैमरा आई थिंक सो यहाँ पर एक काफी प्लस पॉइंट है लावा का इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर अगेन, क्योंकि अभी मैंने इसको पूरी तरह से टेस्ट नहीं किया। कैमरा भी काफी इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा है, बट उसके साथ साथ आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी दिया है और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा भी दिया है 3x जूम के साथ। ऑफकोर्स कुछ फोटोज में आपकी स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, जो फोटो का आउटपुट अभी थोड़ी सी फोटोज में कलर्स थोड़े से सैचुरेटेड आ रहे हैं। अभी मैं कैमरा क्वालिटी पे पूरी तरह से तो कॉमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट हार्डवेयर वाइज डेफिनेटली यार स्टेप अप इस रेंज में अल्ट्रा वाइड कैमरा टेलीफोटो कैमरा नहीं देखने को मिलता लावा ने दिया, बट आई थिंक सो ट्यूनिंग थोड़ी सी और बेहतर करी जा सकती है। ऑफकोर्स रिव्यू में आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन धड़ाधड़ लेके आएंगे, फर्स्ट लुक में जो जो चीजें मैं कवर कर सकता था मैंने सब कुछ बता दिया, बट हाँ फाइनली प्राइस, अब इसका जो प्राइस है लावा ने सेट करा है 20,999 रुपीज से। इंट्रोडक्टरी ऑफर आई थिंक सो कुछ 1000 रुपए का ऑफ है, तो 19,999 से स्टार्ट हो रहा है। 3 वेरियंट्स है, 8+128GB जिसमें विदाउट चार्जर खरीदते तो आपको बेस वेरियंट 20,999 का मिलेगा, बट अगर आपको चार्जर चाहिए 8GB 128GB वाला वर्जन वो पड़ेगा 22,999 का, वहीं 8GB+256GB वर्जन जिसमें आपको अगेन चार्जर मिलता है जो कि मेरे पास आया है, जो मेरे बॉक्स में चार्जर आया है, वो वाला वर्जन है 24,999 रुपीज। तो ये इन अ नटशेल लावा अग्नि 3 काफी बेहतरीन फोन लग रहा है यार, इन हैंड फील काफी अच्छी है। अगेन ये एक चीज नहीं बताई, ये ग्लास बैक है, तो ये भी एक ऐसी चीज है जो मोस्टली इस रेंज के फोन में नहीं मिलता, तो 20,000-25,000 रुपए के हिसाब से काफी प्रीमियम फीलिंग फोन है। बाकी इसको टेस्ट करते हैं और आपको सब कुछ अंदर का मामला पानी बताएंगे भाई एक फुल रिव्यू वीडियो में, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो डेफिनेटली कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी अगली वाली वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।